यूपी के उद्यान विभाग के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का अजीबो गरीब फरमान सामने आया है। मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि कुशीनगर मंडल में अब से डीएम और एसपी किसी भी जनप्रतिनिधि के फोन को नजरअंदाज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर किसी विधायक का इन अधिकारियों के पास फोन आता है तो एसपी हो या डीएम, उन्हें जी सर कहना पड़ेगा। ये सुनकर भले ही आपको हैरानी हो रही हो, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह ने इस संबंध में डीएम और एसपी समेत जनपद के तमाम बड़े अधिकारियों को यह आदेश दिया है। उपाध्यक्ष महामंत्री तक हर हालत में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम्स, एडीएम्स, इनके सबके फोन पर पूरे जिले के संगठन के पदाधिकारियों का फोन नंबर सेव होगा। अगर वो एडीएम का फोन हमारा उपाध्यक्ष करेगा तो उनको जी पैसा कहना पड़ेगा। हमारे विधायक और माननीय सांसद का नंबर किसी भी फोन पर हो सकता है। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि अभी सारे जिला स्तरीय अधिकारियों के फोन पर हमारे माननीय विधायकों का नंबर सेव नहीं होगा। मेरी कोशिश होगी कि एक भी विधायक का फोन नंबर जिले के जितने भी हमारे एचओडीज हैं, जो भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, उनके फोन पर हमारे सभी विधायकों का फोन नंबर सेव हो। और जब विधायक फोन करे तो उनको कहना पड़ेगा जी सर। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान विभाग के मंत्री हैं। इसके साथ ही उन्हें कुशीनगर का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया है। इसी सिलसिले में मंत्री जी ने कुशीनगर स्थित बीजेपी कार्यालय में संगठन के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मंडल के सभी सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह ने अधिकारियों को ये फरमान सुनाया है। यूपी के मंत्री के इस फरमान को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। यह आदेश इसलिए भी अहम हो जाता है कि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हार के बाद कई विधायकों और पदाधिकारियों ने अधिकारियों पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया था। उन्हें बताया है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, जिसकी वजह से पार्टी को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।